इस वक्त आप और हम लोग सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाका लगाकर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। काबिले तारीफ है जम्मू कश्मीर पुलिस का काम, काबिले तारीफ है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ होगा, सारी रात ये लोग ठंड में कोहरे में यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग करते हैं ताकि कोई ऐसा नंबर ना निकल जाए, ऐसा शख्स ना निकल जाए इन गाड़ियों में जो आगे जाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। आप जम्मू कश्मीर में हो जनाब, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये लोग जाग रहे हैं, सतर्क हैं। इस वक्त मैं उसी सिद्धड़ा चौक में हूँ यहाँ आज सुबह इनकाउंटर हुआ। बिल्कुल इस जगह पे चौक पे एक ट्रक आता है, यहीं पे पुलिस का नाका था, उस ट्रक को रोका जाता है रूटीन में चेकअप के लिए, उसकी चेकिंग करने के लिए। अचानक ड्राइवर भाग खड़ा होता है, पुलिस को शक होता है, इतने में फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग लगभग 2.5 से 3 घंटे ये फायरिंग चलती है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। हालांकि शुरुआती दौर में ही उनको कॉर्डन कर लिया गया था, घेर लिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और 4 टेररिस्ट को मार गिराया चंद घंटों में। हमारी जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये वही ट्रक है, ये वही ट्रक है जिसके अंदर 4 टेररिस्ट जम्मू से श्रीनगर जा रहे, अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें, जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। चारों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया अलर्टनेस की वजह से। पुलिस के सीनियर ऑफिसर मुकेश सिंह साहब ने बताया कि आज से 10 दिन पहले नरवाल में कुछ वेपन पकड़े गए थे, उसी के चलते हम अलर्ट हो गए थे। और दूसरी बात है 26 जनवरी, उसके लिए भी हाई अलर्ट पे थे, लेकिन हमें इस तरह के इनपुट्स पुलिस को रहते हैं, उनके जो सोर्सेस होते हैं बड़े पक्के होते हैं। और इस ट्रक को पूरी तरह से खंगाला गया है कि अंदर कोई कैविटी तो नहीं है। और इसी ट्रक के अंदर 4 टेररिस्ट, उनके साथ 7 AK-47, 1 M4 राइफल और बहुत सारे ग्रेनेड, किसी बड़े हमले की तैयारी में। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया, उनके मंसूबों को निस्तो नाबूद कर दिया, उनको निस्तो नाबूद कर दिया। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये वही जगह है एग्जैक्ट, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। हम सुरक्षित रहें इसलिए सारी रात जागते हैं वो, और उसी का नतीजा ये हुआ कि ये जिन मंसूबों को पूरा करने के लिए इस ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, उस ट्रक को यहीं पे घेर लिया गया, उनके मंसूबों के साथ साथ उनको भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 4 टेररिस्ट इसी ट्रक में, अगर यहां से निकल जाते, इससे पहले भी हमने ऐसे इनकाउंटर कवर किए हैं, और बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कोई नुकसान नहीं हुआ अपना। शायद इसी चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको, इसीलिए ट्रेन है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। चारों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हमें यह समझ आ रहा था, और पुलिस भी इतना ही जानती थी कि 3 टेररिस्ट हैं, क्योंकि इस गाड़ी से नीचे उनको उतरने ही नहीं दिया गया। जब पूरी तरह से इस गाड़ी को खंगाला गया उसके बाद पता चला कि वो नंबर 3 का नहीं 4 का था। उनके मंसूबों के साथ चंद घंटों में उनको भी ढेर कर दिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर पुलिस को सैल्यूट है, उनके काम के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आप हो तो हम हैं जनाब, सैल्यूट है आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।